हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का अलग ही महत्व है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। रायबरेली में महिलाओं ने वट सावित्री पूजा और सोमवार अमावस्या के अवसर पर बरगद के साथ पीपल वृक्ष पर भी पूजा अर्चना की। साथ ही नवविवाहित महिलाओं ने भी पहली बार पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। आज किस चीज की पूजा है? आज बरगद की पूजा है। वट सावित्री। वट सावित्री। क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने? अच्छा, आज बरगद की भी पूजा, पीपल की भी साथ में पूजा की जा रही है। क्यों? अमावस्या इसलिए उसकी पीपल की पूजा हो रही है, लोग के लिए दे जा रहे हैं। लगभग कितने बजे से पूजा स्टार्ट है? 5 बजे करीब, 4:30 सुबह से। धूप के चलते ज्यादातर महिलाओं ने पहले ही पूजा कर लिया। नहीं, आज मुहूर्त भी था ना, मुहूर्त कम है ना, 10 बजे तक है। 10 बजे तक मुहूर्त है। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? रायबरेली से। पहली बार वट व्रत पूजा करने आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या तैयारियां की हैं आपने पूजा को लेकर? पूजा के लिए बहुत तैयारी। क्या क्या तैयारियां? जैसे कि कितने बजे यहाँ आई? 8:30 काफी भीड़ लग रही है। वहीं वाराणसी में भी बरगद और पीपल पर महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करती नजर आई। पूजा से पहले गंगा घाट पर महिलाओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सीमावती अमावस्या का पुण्य प्राप्त किया। इस दौरान गंगा घाट पर भारी भीड़ देखने को मिली। इसके बाद महिलाओं ने दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा की और वृक्ष की 108 बार धागा लपेट कर परिक्रमा की। तुम्हारी अमावस्या है और सुहागिन लोग इसका व्रत करती है। पहला व्रत धान पान से उठाया जाता है। 108 परिक्रमा, 108 पान, 108 सुपारी दे के कच्चे सूत से दिया जाता है फेरी। और ये लक्ष्मी नारायण की पूजा है और अमावस्या देवी, जो औरतें व्रत करती हैं, फेरी करती हैं, उनका तन मन से वो उनका सौभाग्य लौटाती हैं, उनके सुहाग पर रक्षा करती हैं। इसीलिए ये सोमारी अमावस्या का पूजा और व्रत और परिक्रमा किया जाता है। गंगा स्नान किया जाता है, वहाँ गंगा जी पूजा किया जाता है, तो वहाँ से लोग आती हैं नहा के और यहाँ पीपल के पेड़ में जल देती हैं, दूध देती हैं और सारा सुहाग का सामान चढ़ाती हैं और परिक्रमा करती हैं। सुहागिन औरतें गंगा नहाती हैं, वट सावित्री अमावस्या का पूजन करती हैं, बरगद के पूजन में नारा लपेटती हैं, सुहाग का पूजन करती हैं, सुहाग के दीर्घायु के लिए, धन पुत्र लक्ष्मी बढ़ोतरी के लिए, यही इसका महत्व है। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। इस कारण ही इस व्रत को महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। रायबरेली से शिवकेश सोनी, वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।